अरे हमारी भाभी की, ये मेरी क्लासमेट भी थी भाई, ये हमारी चमोली वाली भाभी हो गई। भाभी लोगों इस बार पहला करवा चौथ तो कैसा लगा भाभी इस बार? देखो ये भी क्या मिल गया यहाँ पे, तरले भी मिले हमें। नमस्कार दोस्तों, आप से स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज यहाँ पे एक नया कार्य का निर्माण किया जा रहा है। तो एक्चुअली हम एक झोपड़ी जो है बनाने का प्लान कर रहे थे। एक तो स्पेस वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे फिर वो वाला दरवाज़ा ब्लॉक हो रहा है। फिर यहाँ पे सोचा कि इसके नीचे बनाते हैं, फिर जो ना सनराइज़ जो इधर से हो रहा है तो उसकी जो पूरी छाया पड़ रही है, और यहाँ दो रूम ब्लॉक हो रहे हैं। तो फाइनली डिसाइड हुआ है कि यहाँ पे बनाएंगे एक इसके बगल में। यहाँ पे स्पेस काफ़ी है, इस साइड खेत का भी स्पेस काफ़ी है। तो देखते हैं कैसे बन पाती है यहाँ पे। अब देखो भाई सामने बर्फीली पहाड़ियाँ दिखने लग रही है, स्टार्ट हो गया। फिलहाल कुछ सामान सामान के लिए बोल दिया है भाई मुझे लाने के लिए, गेंदे बेलचा और स्टेप वगैरह। बाकी देखते हैं यार, जो हमारा मतलब अंदर जो सामान है ना, जैसे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कटकर मटकर, तो वो थोड़ा सही हो जाएगा लगाने के लिए। मतलब एक्स्ट्रा जो फालतू का सामान है कभी कभार यूज़ होता है, वो जो है उस रूम में रख लेंगे, और बाकी के जो रूम है वो खाली हो जाएंगे। तो अच्छा लगता है, ज़्यादा भरा रूम भी ठीक नहीं लगता है। तो भाई अभी दिवाली के बाद यहाँ पर ठंड जो है काफ़ी बढ़ जाती है, तो अभी लोगों ने थोड़ा बहुत मटर लगा रखे, उन्हें बेचने के बाद लोग जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो अपने नीचे वाले गांव में पलायन कर देते हैं, और फिर गर्मियों में आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है भाई बहुत ज़्यादा, और हम लोग भी यहाँ से ही निकल जाते हैं दूसरी जगह। इन्होंने भी भाई एक झोपड़ी बनाई है यहाँ पे, ये वाला देखो, मतलब किचन के लिए काफ़ी बड़ा रूम टाइप का ही बन गया ये। अब इस पर चादर लगेगी ऊपर से, तब बढ़िया लगेगा ये। फिलहाल ऐसा ही कुछ बना रखा है, तो हम जो बनाएंगे वो लकड़ी वगैरह का होगा। और यहाँ से सामने को देखने के मिलता है भाई गजा मार्केट, और ये है छोटी सी लड़की कामू। हेलो हेलो कर दे, हेलो नहीं कर। तो भाई आज करवा चौथ भी है, जो कि मतलब पत्नियाँ रखती हैं, जो सुहागन औरत होती हैं वो अपने पति के लिए रखती हैं व्रत। तो हमारे गाँव में काफ़ी महिलाओं ने ले रखा है, और यहाँ पर ज़्यादा परिवार तो है नहीं, जितने भी हैं काफ़ी लोगों ने इनवाइट भी कर रखा है। तो शाम को भाई एक तो फोटोग्राफी में जाना है, और दूसरा खाने पे भी इनवाइट कर रखा है। तो आज खाना दूसरी जगह होगा और फोटोशूट। तो ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी सारे लोगों से आप मिलने वाले उसमें, तो वीडियो को फॉलो देखना। खदान करते करते ना तरड़े भी मिले हमें, तरड़ नहीं है भाई ये ना एक वर्णक्षम ही होती है, जिसकी मैं आपको कई बार वीडियो में दिखाता था। तो वो है ये बारहमासी होती है, मतलब इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार लगा दो उसके बाद आप मस्त ढंग से बारहमासी सब्जी खाते रहो। तो ये है भाई, ये दूसरी जगह पर लगा देंगे इसे। तो वो जो छेमी का पेड़ लगा रखा था भाई, वो ना दादी ने लगाया था, और यहाँ खदान करते करते देखो ये भी क्या मिल गया यहाँ पे, ये है फूल का पूरा जड़, इसको भी दूसरी जगह पे लगाएंगे और पूरी मस्त क्यारी बनाएंगे यहाँ पे फूलों की। तो इतना एरिया हो रहा है भाई रूम का, जो हमारा यूट्यूब का स्टूडियो बन रहा है। ये देखो इतना काफ़ी स्पेस हो गया यहाँ पे, जो छोटा सा खेत का उसका पता ही नहीं चल रहा। तो भाई जब ये काम हम स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम लग रहा था कि इतना सारा सामान, मतलब ये जो मिट्टी वगैरह है कैसे ले जाएंगे, कैसे कहाँ होगा। और अभी देखो भाई जब हमने सही से किया ना, तो इतना प्यारा मतलब हमें स्पेस मिल गया तो अच्छा सा। तो जो घर का घर तो क्या बोलूँगा उसे, जो बनेगा उसका शायद उस साइड करेंगे मुंह दराज वगैरह। मुझे तो लग रहा है कि इस साइड करते हैं ना तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि इस साइड धूप वगैरह भी अच्छी है, लेकिन ये अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाएगा हमें यहाँ पे बैठने के लिए। यहाँ से अगर रूम बनता है एक, तो इधर साइड से अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, और दोनों साइड से ओपन हो जाएगा, यहाँ से भी आप धूप वगैरह सेक सकते हैं, और इधर से भी सुबह को हम धूप वगैरह सेक सकते हैं। तो फिलहाल टाइम हो गया भाई भोजन का, फिलहाल भोजन कर लेते हैं और उसके बाद का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल अभी कुछ गड्ढे गुड्ढे तो हमने बना दिए, एक गड्ढा एक यहाँ पे बनाना है, तीन गड्ढे, और हाइट लगभग इसकी 11x11 की होने वाली है हाइट, सॉरी जो भी जो मेजरमेंट है 11x11 का होने वाला है। बाकी हाइट इतना रखेंगे इंसान ऊपर घुड़ सके और उसके ये ना लगे, बस भाई इतना देखते हैं। तो फिलहाल भाई शाम के बज चुके हैं 4:30, और जो है यहाँ पर जो भी ना हमारे गाँव की हैं जिन्होंने व्रत वगैरह ले रखा है वो आ गई है हमारे।
पास के मंदिर में शिव जी का मंदिर है एक यहाँ पे, जो मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया है। तो भाई कई दिनों से कह रहे हैं यार कि मतलब हमारे फ़ोटो वगैरह खींचने आ जाना, वीडियो वगैरह बनाने आ जाना। तो फिलहाल वहाँ चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको कौन कौन है रिलेटिव इन द सेंस भाभियाँ हैं कुछ मेरी बारी बोलान को फंड बारी बोरी छन कोई भाभी छन तो वो तो दिखो ना और आप लोग तो मिलो ना छो से ठीक है। बाकी भाई यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है आजकल, लेकिन वही अभी काम करके आ रहा हूँ तो थकान बहुत ज़्यादा लग रखी है, तो बॉडी गर्म हो रखी है, तभी स्वेटर वगैरह पहनने का मन नहीं कर रहा है। फिलहाल आके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो भाई वहाँ ना मंदिर में तो ये लोग गए नहीं और ये एक ही घर में कर रहे हैं सब लोग कीर्तन, तो दिखाता हूँ आपको कैसा हो रहा है यहाँ पे। कीर्तन बोलते कुछ और बोलते हैं जो भी पूजा पूजा होती है। जा फोटो फाट खींच लो तुम्हारे एक दिन है ना, जा लाइन पर लग जा सब। इनका हो गया भाई कार्यक्रम अब सारा, जा डांडा बगया ले ना डांडा कर रहे हैं। तो वैसे ना भाई इन सब ने यहाँ पे जाना था तो हमारे गांव का एक ताजी एक्सपायर हो रखी थी। फिलहाल ये हैं हमारी भाभी जी, इनके पति ना बहुत बढ़िया सिंगर है और ये डांसर है और ये तो सबसे डरती है ना, देखो बोलती नहीं हेलो हेलो दगड़े नहीं बोलेगी, बोलना डर दे और डर दे। और ये आज की पंडित थी भाई हमारी जो बुकिंग ले रखी थी, ये हमारी चमोली वाली भाभी हो गई, ये भी हमारी बारी बारी हो गई ना ये, अरे ये हमारी भाभी की, ये मेरी क्लासमेट भी थी भाई ओमकारानंद में पहले जब जहाँ हम पढ़ते थे ना। तो आज इनका फ़ोटो शूट करा तो वीडियो वगैरह भी बनाई, तो आप लोग बताना कैसे लगी आपको वीडियो। फिलहाल हम और भाभी जी वो क्या है पड़ोसी हैं, एक हमारी ब्लॉगर ये भी है, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हेलो कर दे, हाँ ये कर दी भाई हेलो, ये ठीक कर दी हेलो। बाकी तुम भाभी लोगों इस बार पहला करवा चौथा तो कैसा लगा भाभी इस बार? मस्त वाह वाला वाह। अच्छा तो आज भूखे रहे क्या, अच्छा लगा भाई ने पहली बार रात को प्रसाद खाएंगे ये लोग। हाँ इसमें शायद वो पानी वगैरह भी नहीं पीते ना, पानी भी नहीं पीते और थूक वगैरह भी नहीं घोटना होता है भाई, वो भी तो मतलब कठिन तपस्या है भाई ये भी। तो इनको ना क्या बोलते हैं इनके पतियों की लंबी उम्र हो भाई, यही कामना करते हैं हम। और जिनका इन्होंने तपस्या की भाई सुबह से, यार आसान नहीं होता इतना टफ व्रत जिसमें मतलब पानी भी नहीं पीना है, तो काम भी पूरा करना है। हाँ यार ये तो गांव में तो काम ज्यादा बनाना भाई, बहुत ज्यादा काम होना। जो पहले बोला नहीं ना जब बोला फिर क्या बोला नहीं दोनों चला चाय पिया।
है मेरे है? चला चाय पिया ठीक कल चाय नहीं पीना तू अच्छा बाद में फेनी ना हो हो चलो ठीक है बाय 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 दादा। तो ये है भाई शाम का मौसम गजा आप कितना सुंदर लग रहा है मतलब देख रहे हो क्या प्यारा लग रहा है यहाँ से सनसेट भी ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो भाई जो चमोली वाले की भाभी है जो हमारी उनके पति ना मेरे क्लासमेट थे तो साथ में ही पढ़ते थे तो वो भाई भी आज घर आ रखे हैं तो देखता हूँ कोशिश करूँगा उन्हें ब्लॉग में लाने की वैसे तो आते नहीं है भाई उस बहुत शर्मिले हैं वैसे शर्मिले नहीं है मेरे वैसे भाई वीडियो बनाने के लिए बेचारे बहुत शर्मिले हैं। तो फिलहाल दिन में तो मिला था उनसे बुलाया था शाम को आना कि हमारे घर लेकिन दिन में तो भाई दिन भर आज बहुत काम किया मैंने कसम से मतलब थक लग गई और अभी फ़िलहाल मैं उन्हीं के घर जा रहा हूँ तो मिलवा दूँ आपको चलमोली वाली भाभी के पति से अगर आएंगे वीडियो में तो है ना वैसे आते नहीं बेचारा बहुत शर्मिला है हद से ज़्यादा शर्मिला है। अभी लोगों का घर है ना वो यहाँ पे है और हमारा ना इतना दूर है भाई यहाँ से ये देखो भाई यहाँ पे ताई जी लोगों ने पत्ता गोभी लगा रखी है और सामने वो बर्फीले पहाड़ चमोली वाली भाभी के हस्बैंड जो कि बहुत शर्माते हैं ब्लॉग में आने के लिए बहुत अरे बुझे यार ये भाई बहुत शर्माता है अरे मैच के बहुत शौकीन है ये देखो अभी भी शर्मा रहा है यार खतरनाक ही शर्मा क्या ला शर्मा है? ये देखो पता नहीं क्यों शर्माता है इतना। तो यहाँ से देखो भाई वो बर्फीले पहाड़ कितने खतरनाक लग रहे हैं मतलब भाई सनलाइट भी पड़ रही है हल्की हल्की रेड लाइट देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो भाई आज व्रत के उसमें जो है यहाँ पिछली बार भी हमें इनवाइट किया गया था तो आज भी हम इनवाइट है तो खाना वगैरह भूपी के घर में ही आज और यहाँ से जो गजा का व्यू दिखता वो दिखाता आपको। ठीक ये कल आया था कल हमने नोटिस किया था तो 7:30 बजे के आसपास 7:30 के आसपास आ गया था हमने 45 पे देखा था लेकिन तब तक काफ़ी ऊपर चला गया था और आज 8:30 बजे नीचे ही है देखो उतना नीचे है अभी हल्का सा ही ऊपर उठा है अभी ये देखो मतलब मोटा मोटा मान के चलो तुम एक घंटा लेट 8:20 पे निकला है अभी यहाँ से अभी आ ही रहा है ऊपर पिछली बार हमने ना इसका मौसा टाइम लैप्स लगाया था अभी इस बार नहीं लगाया टाइम लैप्स अभी आएगा ऊपर बाकी भाई ममता का भी आज व्रत था आए ममता दिख ही नहीं रही मेरा नहीं था नहीं था व्रत अरे ये सेब खा रही थी मेहंदी लगाई भाई इसने तो ये देखो भाई नौकरी वाले होटल वाले लोग हमारे ये देखो ऑनलाइन वीडियो कॉल हो रही है वहाँ चांद में देख रहे हैं भाई यहाँ बैसू रुक जाते हैं चांद तब दिखाओ ना रुक जा ये देखो भाई आप फिर टीको लगा वाला आप क्या कंता पति देव वो जिस पोने हो चलो ना पहुंचे कि नहीं भैया मैं सान बोल रही हूँ सुबह भूल कर खाना ही नहीं खाया ये सही सिस्टम भाई ऑनलाइन है हाँ कर रहे भैया पानी पी ली बक पानी गाड़ना बक हाँ कर रहा ऑनलाइन व्रत खुल रहे भाई ऐसे हाँ हाँ रुक जा आंटी ने पिला रही आंटी पानी पिला रही अंकल ने पिला रहे भाई सासू को भेंट अच्छा सासू खातर ये सासू के लिए ला रखा है उन्होंने अच्छा ठीक गिफ्ट दिखा दे वाले एक तंदूर रोड दो बल लच्चा पर आंटे दिखा दी मैं भूल गई गिफ्ट के चक्कर में प्रणाम करना ही भूल गए तक क्यों लो तक तुम उनका खून भरा आदमी मैंने गिफ्ट निकालो भैया गिफ्ट अपने जितने भी होटल भाई है ना भाई वो यार उनके लिए सबसे वो लगता है मतलब हर त्योहार में उन्हें ड्यूटी पे रहना होता है और लोगों को खाना खिलाना होता है बाकी लोगों को तो छुट्टी मिल जाती है लेकिन अपने होटलियर भाई हर त्यौहार उन्होंने कुर्बान कर रखा है हमारा। तो भाई आ गए हम डिनर वगैरह करके तो
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आप चैनल पर नए हैं चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।